सात खाद्य पदार्थ जो माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आमतौर पर जेनेटिक होती है और किसी भी उम्र में लोगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये ज्यादातर बचपन में ही शुरू हो जाती है, जहां अधिकांश लोग माइग्रेन को तेज चुभते सिरदर्द से जोड़ते हैं। माइग्रेन के अन्य लक्षणों में मतली, उल्टी, सुन्नता या झुनझुनी, बोलने में परेशानी और रोशनी और आवाज के प्रति सेंसिटिविटी शामिल है। जो माइग्रेन से पीड़ित हैं या जिनके परिवार में माइग्रेन की हिस्ट्री रही है, उन्हें बता दें कि ये लक्षण कई अलग अलग फैक्टर्स के कारण ट्रिगर हो सकते हैं। शायद आपको जानकर आश्चर्य ना हो कि इन माइग्रेन ट्रिगर्स का एक कारण आपकी डाइट में शामिल खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो नियमित रूप से माइग्रेन से जूझते हैं, तो इस लिस्ट में शामिल कुछ फूड आइटम्स से आपको बच के रहना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करें, ताकि आप हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रहें। पहला, कॉफी। कॉफी और सामान्य तौर पर बहुत ज्यादा कैफीन बुरे से बुरे माइग्रेन सिम्टम्स को उजागर करेगा, जो आपको कमजोर कर देंगे। उससे भी बुरी बात ये है कि कैफीन छोड़ने का प्रयास करने पर भी आपको माइग्रेन का दर्द होगा। मतलब इनफ कॉफी ना मिलने पर भी आप शायद माइग्रेन को एक्सपीरियंस करें। वैसे वो लोग जो एक कप कॉफी के बिना अपना दिन गुजार ही नहीं सकते, उनके लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन के अनुसार कैफीन वास्तव में माइग्रेन के लक्षणों से राहत दिला सकता है, बशर्ते उसकी सही खुराक ली जाए। मतलब समझ लीजिए कि ये उस पुरानी कहावत एवरीथिंग इन मॉडरेशन का ही एक उदाहरण है। दूसरा, शराब। ये बात कि अल्कोहलिक बेवरेजेस से सिर दर्द हो सकता है, शायद आपको चौंकाने वाली ना लगे, खासकर अगर आप वो हैं जो शराब से हुए हैंगओवर का सामना पहले ही कर चुके हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात ये है कि माइग्रेन की जानकारी देने वाली एक वेबसाइट जिसका नाम माइग्रेन है, का कहना है कि रेड वाइन और बियर जैसी अल्कोहलिक ड्रिंक्स को उन 25% लोगों में सामान्य ट्रिगर माना जाता है जो नियमित रूप से माइग्रेन का अनुभव करते हैं। इसके साथ ही हेल्थ लाइन के न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एटली आर नार्सन कहते हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स शराब पीने के मात्र 3 घंटे के अंदर ही माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं। शराब और माइग्रेन मिलजुल कर इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि शराब से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जो कि सिरदर्द पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुछ प्रकार की शराब जैसे रेड वाइन में हिस्टामिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है, जो कि माइग्रेन के लक्षणों में योगदान दे सकता है। तीसरा, प्रोसेस्ड मीट। माइग्रेन से जूझ रहे कम से कम 5% लोगों में दर्दनाक और कमजोर करने वाले लक्षण प्रोसेस्ड या क्योर्ड मीट प्रोडक्ट्स खाने से ट्रिगर हो सकते हैं, कभी कभी तो खाने के कुछ मिनटों में ही। कुछ प्रकार की मीट खाने से जो माइग्रेन सिम्टम्स दिखते हैं, उन्हें कुछ शोधकर्ता हॉट डॉग हेडेक कहते हैं। और पूछें कि ये सिरदर्द क्यों होता है, तो शोधकर्ताओं का मानना है कि एक पॉसिबल फैक्टर इनमें नाइट्राइट्स नामक ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स का होना है, जो आमतौर पर प्रोसेस्ड मीट को खराब होने से बचाने और स्वाद बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। साथ ही कुछ प्रकार के क्योर्ड और प्रोसेस्ड मीट में हिस्टामिन्स भी होते हैं, और जैसा हमने पहले कहा, जो लोग हिस्टामिन इंटॉलरेंट होते हैं, उनमें ये संभावित रूप से लक्षण ट्रिगर कर सकता है। चौथा, एज्ड चीज। डाइट से हुए माइग्रेन के प्रभावों पर की गई एक स्टडी के अनुसार ये बताया गया कि माइग्रेन से जूझ रहे करीब 9-10% लोग एजेड चीज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जैसे ब्लू चीज, फेटा और पार्मेसान। ऐसा इसलिए क्योंकि एजेड चीज में टायरामीन नामक पदार्थ होता है। टायरामीन एक कंपाउंड है जो खाने की उम्र बढ़ने के प्रोसेस में बैक्टीरिया द्वारा टायरोसिन जैसे प्रोटीन और अमीनो एसिड तोड़ने से बनता है। जितने लंबे वक्त के लिए चीज को एज किया जाएगा, उसमें टायरामीन कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। नेशनल हेडेक फाउंडेशन के अनुसार जो लोग माइग्रेन्स से जूझते हैं, उन्हें पॉसिबल सिम्टम्स कम करने के लिए कम टायरामीन वाली डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा, चॉकलेट। सॉरी चॉकलेट लवर्स, लेकिन अगर आप अक्सर माइग्रेन से जूझते हैं, तो अब वक्त आ गया है आप चॉकलेट खाना कम कर दें। अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन के अनुसार
चॉकलेट वास्तव में माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए दूसरा सबसे आम ट्रिगर हो सकती है, जो लिस्ट में सीधा शराब के बाद आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चॉकलेट में कैफीन होता है, साथ ही ऐसे अन्य इंग्रेडिएंट्स भी जो सिरदर्द को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे बीटा फिनाइलएथामीन। छठा, फ्रोजन फूड्स। अगर आप माइग्रेन से पीड़ित नहीं हैं, तो भी आप शायद ब्रेन फ्रीज के कॉन्सेप्ट को तो जानते ही होंगे। ठंडा या जमा हुआ कुछ खाने या पीने से सर में अचानक चुभने वाला दर्द शुरू हो सकता है, जो माइग्रेन पीड़ितों के दर्द को और भी बदतर कर सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक ये सिरदर्द अक्सर तब होते हैं जब आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद या ज्यादा गर्मी लगने पर जल्दी से बर्फीली चीजें खा या पी लेते हैं। दिलचस्प बात ये है कि 2017 में हुई एक रिसर्च से ये संकेत मिला कि जानबूझकर खुद को ब्रेन फ्रीज देना शायद आपके माइग्रेन के दर्द को कम करने में एक उपयोगी तकनीक साबित हो। सातवां, नमकीन खाद्य पदार्थ। इससे पहले कि आप डिनर टेबल पर किसी को नमक पास करने के लिए कहें, आपको रुककर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका सोडियम इंटेक जरूरत अनुसार हो। नमकीन खाद्य पदार्थ, खासकर एडेड सॉल्ट वाले प्रोसेस्ड फूड्स, कुछ लोगों में संभावित रूप से माइग्रेन और उससे संबंधित लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से सिर दर्द और माइग्रेन के इफेक्ट्स ट्रिगर हो सकते हैं। अगर माइग्रेन आपको फ्रीक्वेंटली परेशान करता है, तो कई बार आपके सिम्टम्स ट्रिगर होने की वजह जानना मुश्किल हो सकता है। अच्छी बात ये है कि इस लिस्ट से आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो पोटेंशियली माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर करती हैं, जिससे उम्मीद है आप कुछ स्टेप्स लेकर इन खाद्य और पेय पदार्थों को अपनी डाइट से कम करेंगे और शायद माइग्रेन के दर्द के साथ जीने से होने वाली परेशानी को थोड़ा कम कर पाएंगे। क्या आपको ये वीडियो मददगार या इन्फॉर्मेटिव लगा? अगर आप अक्सर माइग्रेन का अनुभव करते हैं या किसी संभावित कारण या रेमेडी के बारे में जानते हैं, तो क्या आप अपने थॉट्स और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हम हमेशा आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, इसलिए प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और बातचीत जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।